हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नॉर्मल केचर, जिसमें पहला लेक्चर जो हमने किया था उसमें बेसिक आईयूपीएसी है ना, जो हम लोगों ने क्लास 11-12 में सीखी हुई आईयूपीएसी है। क्लास 10-11 में हम लोग अपनी आईयूपीएसी जो करते थे उसके बारे में बेसिक बातें सीख ली थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे काम में आती रहेंगी। अब हमको आज से स्टार्ट कर देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, एक बार फिर से इसको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां से आगे इसमें आई थिंक 2-3 लेक्चर और बनेंगे, उसमें पूरा नेमिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कवर अप हो जाएगी। तो स्टार्ट करें यहां से। ओके, तो पहला सवाल ही मैंने क्रिएट कर दिया है, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक मैं बता चुका हूं, कोई भी ऐसा कंपाउंड, ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके में क्या है, कोई एक एटम, मान लो यहां एन लगा हुआ है, या मान लो यहां पर एस लगा हुआ है ना, एक एटम अलग हो सकता है या एक से ज्यादा एटम अलग हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। हेट्रो जिसके अंदर एटम अलग अलग लगे हुए होते हैं। क्लियर है बात ये। अब इसकी आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो इसकी आईयूपीएसी करने के ना कई सारे तरीके हैं, ठीक है, चार तरीके जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, द हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर या सिस्टेमिक नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आज हम इसी को कवर करेंगे। दूसरा है कॉमन नेम या ट्राइबल सिस्टम, जिसको हम ट्राइबल सिस्टम या कॉमन नेम भी कहते हैं। फ्यूज्ड और फ्यूजन नॉमेनक्लेचर, जहां पर रिंग हमारी फ्यूज रहती है उस केस में कैसे करेंगे। देन आता है रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नाम को रिप्लेस करते हैं, सीखेंगे बारी बारी से। ये चार अगर तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो तुम किसी भी टाइप का क्या कर ले जाओगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो स्टार्ट करें, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द हैंस विडमैन, या इसे एच विडमैन भी कह देते हैं, इसको एक और नाम से बुला देते हैं, एच विडमैन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर बता रहा हूं रूल क्या है, रूल हमेशा केवल दिमाग में रखने हैं, रूल पूछ नहीं जाएंगे कि रूल बताओ, ठीक है ना। रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आईयूपीएसी करनी है। तो क्या है इसके अंदर, द एच विडमैन नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेट्रो एटम। टाइप ऑफ हेट्रो एटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे, या जेड अगर कंफ्यूजन दे छोड़ दो यहां पर इसे। तो कह रहा है किस टाइप का हेट्रो एटम मौजूद है उस पर डिपेंड करेगा। द रिंग साइज, उसके अंदर कितने एटम मौजूद है, एक रिंग बनने में कम से कम तीन तो चाहिए हमें, एक दो तीन, तीन तो चाहिए, तो मिनिमम कहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, थ्री से। तो रिंग का साइज क्या है, तीन एटम है, चार एटम है, पांच एटम है, छह एटम है, दस एटम है, कितने एटम है उसके अंदर, उसको हम एंसर डोनेट करेंगे। एंड द नेचर ऑफ द रिंग, रिंग हमारी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तीन चीजें मिलकर के उसका नॉमेनक्लेचर डिसाइड करेंगी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर अप्लाइज टू मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक यानी कि एक साइकिल होनी चाहिए, ये एक साइकिल होगी, अब इसके बाद ऐसा कर दिया तो ये दो साइकिल होगी, यहां अप्लाई नहीं होगी, ये यहां के लिए फ्यूज रिंग पड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल ये किस पे अप्लाई होगी, केवल मोनोसाइक्लिक 3-10 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, 3-10 मेंबर तक के लिए बस, ठीक है। तो मोनोसाइक्लिक 3-10 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए ये एप्लीकेबल है। रूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो रूल हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर अगर ओ लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सा, एन लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एजा, ठीक है, एस लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, थाया, पी लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, फॉस्फा। इसका क्या मतलब है समझेंगे अभी जब नेमिंग करेंगे, तो फिलहाल ये समझो, अगर एन हेट्रो एटम लगा हुआ है तो ऑक्सा प्रीफिक्स लगेगा, यानी कि ऑक्सा हमारा इस्तेमाल होगा, प्रीफिक्स समझते हो ना, जो चीज पहले लगाई जाती है, एन लगाया तो एजा, एस लगाया तो थाया, पी लगाया तो फॉस्फा, क्लियर है। अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं रिंग साइज की बात कर लें। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, एक होता है तो मैथ होता है, दो कार्बन होते हैं तो एथ होता है ना, ठीक है, वैसे ही यहां पर हमें रिंग साइज को दिमाग में रखना है। अगर तीन है तो इर, ठीक है, जैसे ट्राई होता ना, ट्राई होता है तो ट्राई से क्या बन गया, आई आर, इर बन गया। फोर होता है, ठीक है, जैसे फोर के लिए नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हम लोग क्या, एट का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, एट, यानी कि एट का मतलब चार मेंबर्ड रिंग है। जैसे सपोज एक उदाहरण दूं मैं,
देखो कितने हो गए, एक दो तीन चार, ठीक है ना, फाइव ऑल हो जाएगा, ठीक है ना, सिक्स, ठीक है ना, सिक्स के लिए क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, सेवन के लिए एप हो जाएगा, जैसे कि सेवन के लिए क्या होता है, हैप्ट होता है, तो एपी एप आ जाएगा, एट के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, उसका ओसी ओसी आ जाएगा यहां पर, नाइन के लिए क्या होता है, नॉन होता है, उसका ऑन आ जाएगा, इसके लिए डेक होता है, इसका ईसी आ जाएगा। तो कुछ तो काफी आसान है, ट्राई हो गया, ब्यूट का एट हो जाएगा, ये दो थोड़ा सा अलग है हमारे पास। तो रिंग की साइज के हिसाब से जैसे हम लोग ने यहां पे हैप्ट ऑक नॉन किया था, तो उसी में से वर्ड को निकाल करके यहां पर हम लोग सफिक्स का इस्तेमाल अलग करेंगे, ठीक है ना। यहां पे इर, एट, ऑल, इन, एप, ऑक, ऑन, एक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं कि किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, कि हेटेरो एटम कौन सा है उसके हिसाब से नाम ये लगेगा, रिंग का साइज कैसा है, तीन है, चार है, पांच है, छह, उसके हिसाब से ये लग जाएगा। अब सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, एन लगा देना उठा करके, जैसे हम ब्यूट के आगे एन लगाते थे, हेप्ट के आगे एन लगाते थे, ठीक है, ये हेप्ट होता था तो उसके आगे एन लगा देते थे, तो यहां पे एन लगा देना है। लेकिन अगर अनसैचुरेशन है, क्या है, अनसैचुरेशन, तो ये तीन के एक्सेप्शन है, बाकी सब में आइन 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 आइन, ठीक है, ये तीन में ई लगेगा, बाकी सब में आइन लगेगा। और अगर सैचुरेशन है लेकिन एन एटम मौजूद है, सैचुरेशन है लेकिन एन एटम मौजूद है, तो एन की जगह पे क्या लगेगा, आयडीन आयडीन आयडीन, ये तीन केवल एक्सेप्शन है, बाकी सब में एन ही लगेगा, बाकी सब में चाहे एन हो चाहे ना हो, नीचे छह से नीचे सब में एन लगेगा, लेकिन ऊपर के जो तीन है, तीन चार पांच, इनमें क्या लग जाएगा, आयडीन आयडीन आयडीन। ये बात समझ में आ रही है, एन के साथ हमारा स्पेशल केस रहेगा। तो ये टेबल अगर दिमाग में सेट हो गई, ये और ये, ठीक है, तो काफी है। अच्छा, यहां चार के आगे और भी काफी सारे होते हैं, हमारा इन चार से काम हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई, अगर पुराना वाला लास्ट लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए मैंने उसको बहुत अच्छे से कायदे समझाया था, वही सारी चीजें देखो, सफिक्स सैचुरेशन अच्छे, तो वही सारी बातें आ रही हैं, सैचुरेशन में एन, यहां पे भी एन है, वहां पे भी एन था, केवल यहां पे अनसैचुरेशन में, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड यहां होगा नहीं, रिंग जब बनती है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, डबल बॉन्ड ही रहता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगता है, आइन लगता है, ये तीन एक्सेप्शन है, यहां पर ये एन अगर लगा हुआ है सैचुरेशन वाले में, तो ये एक्सेप्शन रहेगा ऊपर के तीन। क्लियर है बातें, यहां तक ये बात समझ में आ रही है, अभी एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हेटेरो एटम, जैसे कि सपोज एक उदाहरण दूं मैं, मान लो, चलो अगर एग्जांपल करेंगे वहीं से देखेंगे, सबसे पहले क्या लगेगा, हेटेरो एटम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या इसको नोट कर लो, एग्जांपल जब मैं करूंगा समझाता चलूंगा, देखते चलना। फिर लिखते हैं हम लोग नेम ऑफ द रिंग एज पर साइज, है ना, एट है, ऑल है, इन है, ठीक है, और फिर लगाते हैं नेचर ऑफ द रिंग, यानी कि एन या आइन लगा देंगे रिंग के नेचर के हिसाब से। क्लियर है बातें, आओ देखिए अब जरा इसके एग्जांपल, यही था इसका नॉमेनक्लेचर, अब इसमें कुछ बातें थोड़ी बहुत और होगी वो क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अब जैसे कि हम लोगों ने वहां पर एक चीज करी थी, देखो यहां पर इसको समझते हैं, कितना है, एक है ना, एक दो, कितने हैं, तीन, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे जो मैं तुम्हें बता दूं, हमेशा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, हेटेरो एटम से, नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, हेटेरो एटम से, वन टू और थ्री। खैर यहां पे अभी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहां पे एक ही हेटेरो एटम है, तो वन टू और थ्री तीन हो गए, ठीक है, और एटम कौन सा लगा है, ओ, एटम कौन सा लगा है, ओ। अब मैं लेके चलता हूं तुम्हें वापस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि एक ही में, चलो एक ही में आ गया। अब देखो ओ के लिए क्या है, ऑक्सा, ये आ गया ऑक्सा, ठीक है, एक दो तीन, एक्चुअली मैं इसको लिख दूं ऑक्सा प्लस, कितना है, वन टू और थ्री, तो तीन के लिए क्या लगेगा, इर, क्या लगा, इर, तो यहां लगाया मैंने इर प्लस, ठीक है, कंपाउंड कैसा है, क्या कहीं पे, अरे क्या कहीं पे डबल बॉन्ड है, नहीं, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है, यानी कि मेरे पास क्या कंडीशन है, सैचुरेशन वाली कंडीशन है, तो क्या लगेगा, एन, तो मैं यहां क्या लगा दूं, एन,
अब देखो जरा यहां पर कंडीशन क्या है, ये जो इर होता है ना, ये इसका आई, यानी कि इससे पहले अगर ए है, ए है या फिर कह लो कि क्या है, कोई वोवल है, क्या है, कोई वोवल है, तो वो हटा दिया जाता है, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये नाम क्या बनेगा, ये हट गया यहां से, ऑक्स, क्या नाम बना, ऑक्स, आई आर, इर और एन, क्या बन गया, ऑक्सी रेन, ठीक है। तो ये नाम इस तरीके से तुम्हें करने हैं, बात समझ में आ गई है, आगे आते हैं। चलो यहां क्या है, एस, एस के लिए क्या है, थाया, एस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, थाया, प्लस एक दो और तीन, कितने एटम लगे हैं, तीन, तीन के लिए क्या रहेगा, इर, लगा देते हैं इर, प्लस सेचुरेशन है तो क्या रहेगा, एन। अब इस आई से पहले यहां क्या है, ए, ए क्या है, वोवल है, तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो हमारा फाइनल नेम क्या बन जाएगा, टी एच आई और आई, ठीक है, ये हटा, आई आई और आर और ए एन ई, ठीक है, थ्रेन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, अब आ जाते हैं यहां पर, देखो जा रहे हैं यहां पर क्या है, एन लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, प्लस एक दो और तीन हमारे पास क्या है, एटम है, तो आते हैं एन के लिए क्या है, एजा, एन के लिए क्या है, एजा, एटम कितने हैं, तीन, ट्राई, और साथ साथ में क्या है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड, मैंने क्या कहा था, यहां एन नहीं लगेगा, अगर एन है और सैचुरेटेड है तो इडीन लगता है, तो ये क्या आ गया, एजा प्लस इर और प्लस इडीन, ठीक है ना, तो यहां से ए गायब हो जाएगा क्योंकि ये वोवल है, तो ए, अच्छा ए तो गायब हो गया, एजीर रिडीन, ठीक है ना, नाम समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भले प्रोनाउंस मत करो, केवल तुम्हें पता होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर ओ के लिए क्या होता है, ऑक्सा, तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, ऑक्सा, ऑक्सा के बाद एक दो तीन चार, कितने हैं, चार, चार के लिए क्या होता है, एट, हमने क्या लिखा यहां पर, एट, अब सेचुरेशन है क्या अनसेचुरेशन है, सेचुरेशन है तो क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन, ठीक है ना, तो उससे पहले क्या है यहां पर, ये वोवल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है तो गायब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीटेन, ओ एक्स ई टी, ऑक्सीटेन इसका नाम हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो यही मैंने लिखा, द लेटर ए इन द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में जो लेटर ए होता है ये प्रीफिक्स है, ठीक है ना, प्रीफिक्स मैंने यही बताया, ये प्रीफिक्स होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हेटरो एटम को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स का जो हेटरो एटम जो ए होता है, इज ओमिटेड वेयर नेसेसरी, दैट इज व्हेन सफिक्स स्टार्ट विद वोवल, जब सफिक्स हमारा वोवल से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सॉरी हाँ, ये सफिक्स हमारा वोवल से जब स्टार्ट होगा, यानी कि आई ए आई, ये सफिक्स जब वोवल से स्टार्ट होता है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया कि ये वोवल नहीं, ये हट जाएगा, ए हट जाएगा अगर ये मेरा वोवल से स्टार्ट होगा, जैसे ए आई ई, है ना, लगभग सारे ही वोवल से स्टार्ट होते हैं अगर हम गौर से देखें, ए ई आई ओ, ठीक है, सारे ही वोवल से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि अगर ए आ रहा है तो ए सब में ही आता है, तो लगभग सब में ही ए क्या हो जाएगा, हट जाएगा एक तरह से, क्लियर है बातें, मोटा मोटा दिमाग में सेट कर लो इसको। आगे आते हैं, एस के लिए क्या लगेगा, थाया, एक दो तीन चार, चार के लिए क्या लगता है, एट, और फिर क्या लग जाएगा, एन, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, थाया प्लस एट प्लस एन, थाया लगा एस के लिए, एट लगा चार के लिए, एक दो तीन और चार मेंबर रिंग है ये, और क्या हो गया, ये एन, क्योंकि सेचुरेशन है यहां पर, तो क्या हो गया, यहां से ए हट जाएगा, तो ये क्या बना जा करके, थाइटेन, बात समझ में आ रही है, तो सिंपल सिंपल हो गया, अभी सेचुरेशन है तो यहां पे क्या लग जाता है, इट आईडीन, तो एन के लिए क्या है, फटाफट चार्ट देखो, एजा प्लस चार है तो एट, और प्लस एन है तो आईडीन, क्योंकि ये सेचुरेटेड है, तो यहां से ये ए गायब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एस एट इडीन, एस एट आईडीन।
बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? अब इसको कर लो, सिंपल है। ये कितने? 1 2 3 4 5। पांच के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑल। पांच के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑल, ठीक है ना। सैचुरेशन होगा तो ऑलेन हो जाएगा। अब यहां पर इसके लिए, अच्छा एन होगा तो इडीन हो जाएगा। खैर आगे आते हैं, यहां पे ओ है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? ओ के लिए क्या होता है? ऑक्सा प्लस पांच है तो क्या था? ऑल प्लस एन। ए गायब हो जाएगा तो ऑक्स ऑल एन, ऑक्स ऑल एन, ये आ गया मेरे पास। बातें समझ में आ रही हैं? सेम यहां पर एस के लिए क्या लगा? थाया। पांच के लिए क्या लगा? ऑल, और क्या लग गया? एन। और यहां से ए गायब हो गया तो थियोलेन। अब यहां पर क्या है? एन। पांच के केस में भी एन होगा तो क्या लगता है? आईडीन। अगर सैचुरेशन होगा तो, अनसैचुरेशन होता तो ई लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एजा, एन के लिए एजा आ गया। 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं यहां? पांच मेंबर रिंग है, ऑल और इडीन। और ये ए गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये यहां पर क्या है? वोवल है तो एजोलिडीन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जा रहा है यहां पर देखो ये क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा ये क्या है? N है। N के लिए क्या आता है? एजा। N के लिए क्या आता है? एजा प्लस 6 के लिए क्या है? इन। 6 के लिए क्या है? इन प्लस सैचुरेशन है तो क्या लग जाएगा? एन। और ये वाला एक क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा क्योंकि ये वोवल है। तो एज इन एन, एज इन एन। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड है। ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी नेमिंग करें अगर हम लोग, एजा प्लस 6 मेंबर रिंग है तो यहां पर भी क्या लगेगा? इन प्लस अनसैचुरेशन। यहां पर देखो 6 है, 6 में अनसैचुरेशन में क्या लगता है? ई है, ठीक है ना। क्या लग रहा है? अनसैचुरेशन में ई लग रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे? ई। अब सफिक्स से पहले यहां पर क्या है? ए है, ये गायब हो जाएगा। तो एज इन क्या हो गया? एजीन। और इसी को हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? पायरिडीन। ये बात समझ में आ रही है? पायरिडीन वाला केस पढ़ेंगे जब, कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो ये नेमिंग का तरीका समझ में आया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस, इसको जितने यहां नेम है इनको वापस से प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस शीट में दूंगा उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? चले आगे। तो ये तो हो गया हमारे पास चीज, हमने क्या सीखी? एक तो हमें टेबल पूरी लर्न होनी चाहिए, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। दूसरा कि लेटर ए गायब होगा, लेटर ए गायब हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब हमारे पास केस है, क्या केस है? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के केस में, सब्स्टिट्यूट मतलब रिंग, ये मेन रिंग तो ये होगी, इसके बाहर ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। द हिट्रो एटम इज डेजिग्नेटेड नंबर वन। देखो यहां पर आगे बात, यहां पर हिट्रो एटम को हमेशा नंबर वन प्रेफरेंस देंगे, अगर साइड में कहीं चेन में लगी हुई है तो, ठीक है। एंड द सब्स्टिट्यूएंट अराउंड द चेन आर नंबर्ड सो एज टू हैव द लोएस्ट नंबर फॉर द सब्स्टिट्यूएंट। लोएस्ट लोकेंट रूल जो लास्ट लेक्चर में सीखा था हम लोगों ने, है ना, जो ब्रांच होगी उसको हम लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, अगर वो लेक्चर देख लिया मेरा तो, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बाकी सारी चीजें यहां पर सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? 1 2 और 3, ये क्या है? ऑक्सा, ठीक है ना। अच्छा मेन चेन का नाम लिखिए, अगर थोड़े के लिए चेन को भूल जाए तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सा प्लस 3 के लिए क्या था? 3 के लिए क्या है? इर। 3 के लिए क्या है? इर प्लस, और सैचुरेशन है तो एन, ये गायब हो गया तो ऑक्सीरेन। ये तो हो गया रिंग का नाम, लेकिन ये साइड में और लगा हुआ है। 1 2 2 पर क्या लगा हुआ है? गौर से देखे तो 1 2 और 3। अब देखो ये याद आ रहा है, बॉन्ड लाइन जो मैंने बताया था, थोड़ी देर के लिए भूल जाए अगर इसे, तो ये देखो कितने एटम है? 1 2 और 3, मैंने याद आ रहा है, ये मैंने सिखाया था, इसीलिए बेसिक नॉमेनक्लेचर कराया था, क्योंकि ये इस्तेमाल होंगे। तो क्या हो गया? 1 2 और 3, 3 का मतलब प्रॉप, 3 का मतलब क्या हो गया? प्रॉप। अब क्या लगाएं इसके आगे? फटाफट कमेंट करो क्या लगाएं, एन इन आइन या आइल? यस आइल लगेगा। क्या लग जाएगा? आइल लग जाएगा।
ठीक है ना, और ये किस पे लगा हुआ है, टू पे लगा हुआ है, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू प्रोपाइल ऑक्सीरेन। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बातें। तो पहला लेक्चर जो बेसिक वाला था ना बेटा, वो जरूरी है। अभी यहीं पर ग्रुप भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर चीजें और अलग तरीके से फिर दिक्कत देना स्टार्ट करेंगे, तो पहले लेक्चर को अच्छे से कवर करना है। इसे कर लेते हैं, वन टू थ्री। अब देखो यहां पर क्या है, ये बी ब्रोमो है और ये क्या है, मिथाइल है। मैंने कहा था यहाँ खाली खाली जो होगा उसे क्या पढ़ेंगे, सी एच थ्री मिथाइल पढ़ेंगे उसे, पता है ना खाली वाला क्या है, फ्री एंड क्या होता है, मिथाइल होता है। अब मिथाइल में एम होता है, ब्रोमीन का बी होता है, तो इसको हम नंबर टू दे देंगे, इसको हम नंबर थ्री दे देंगे। वन पे हमारा हिट्रो एटम रहेगा ही रहेगा, तो ये क्या है, एजा प्लस इर प्लस इडीन, है ना, तो ये तो क्या हो गया, ये गायब हो जाएगा, एजीरी डीन। अब आगे क्या लगा हुआ है, टू ब्रोमो थ्री मिथाइल, तो टू ब्रोमो थ्री मिथाइल एजीरी डीन। कितना मुश्किल है, पहला लेक्चर अगर अच्छे से होगा तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तो टू ब्रोमो कैसे कैसे कहानी चल रही है, बात समझ में आ रही है ना, प्रीफिक्स, ये सब प्रीफिक्स पहले लग जाएंगे, है ना, जो ब्रांचिंग होती है वो और सबसे पहले लग जाती है, सीखा हुआ हमने पहले लेक्चर में। आगे देखते हैं, इसको नंबर वन करेंगे, नंबर वन, ओके, देन ये ब्रोमो है, ये कितना है, वन और टू, ये क्या हो गया, इथाइल हो जाएगा, है ना, ये दो कार्बन हो गया ना, सी टू एच फाइव हो गया, ये क्या हो गया, सी टू एच फाइव, तो इथाइल हो गया, तो वन टू थ्री फोर फाइव, खत्म होगी कहानी, टू ब्रोमो फोर इथाइल, बाद बाकी नाम कर देंगे, पांच क्या लगा, एस लगा ना, एस के लिए क्या लगता है, थायो, थाया लगता है, एस के लिए क्या लगता है, थाया लगता है, प्लस पांच मेंबर रिंग है तो क्या लगता है, ऑल, चार सामने रखना, और सैचुरेशन है इन इन, तो ये कट गया यहां से, तो थियो लेन, तो थियो लेन, और उसके आगे क्या लग जाएगा, टू ब्रोमो फोर इथाइल। कहानी क्लियर है, समझ में आ रही है, चले आगे। अच्छा ये तो हो गया, अभी तक कहानी क्या थी कि सैचुरेशन वाली कहानी थी, अब अगर अनसैचुरेशन होगा तो देखो अनसैचुरेशन में दो तरीके अपनाने हैं, या तो रिंग पूरी तरीके से सैचुरेट होगी, पूरी तरीके से सैचुरेट का मतलब क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड लगे होंगे पूरे में, अल्टरनेट बॉन्ड, और या अल्टरनेट बॉन्ड नहीं होंगे, इस तरीके से एक आध जगह छुटी हुई होगी। तो अगर पूरी, इसको कहेंगे कंप्लीट सैचुरेशन, यहां पर कहीं पे भी एक्स्ट्रा जगह नहीं है क्योंकि हम कहीं पे लगा ही नहीं सकते एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, देखो एक दो तीन और एक क्या लगा होता है, एच लगा होता है, हमें पता ही है, एक तरफ क्या लगा होगा, एच लगा होगा, तो यूज सफिक्स अनसैचुरेशन विद डाइहाइड्रो टेट्राहाइड्रो, इसका क्या मतलब पहले समझ ले, ओके, देखो इसका अभी हम नेमिंग करते हैं, कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, कितने हैं मेंबर, सिक्स है ना, एन के लिए क्या लगेगा, एजा प्लस, अरे अरे ज्यादा आ गया, आ गया, सिक्स के लिए क्या लगेगा, इन, और सैचुरेशन है तो एन, नहीं अनसैचुरेशन है तो क्या लगेगा, ई लगेगा, तो ये आ गया हम यहां पर, एजा प्लस इन प्लस क्या लगेगा, ई लग जाएगा, तो ये ए गायब हो जाएगा, तो क्या बन गया, एजी, एजी, अच्छा इसका वाला नाम लिखा हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, एजा पाइन, एक मिनट, नाइट्रोजन है ना ये, ओके एजा है, ठीक है, और ये ऐसा आ गया, अच्छा कितना है ये, एक दो तीन चार पांच छ सात हैं, सॉरी कितने हैं, सात हैं, तभी मैं को चक्कर क्या है इसमें, ठीक है कितने हैं इसमें, सात हैं, तो ये क्या हो गया, ऐसा प्लस सात के लिए क्या लगता है, एप प्लस, ठीक है, हा ठीक है, देखो एप लगा, एजा लगा, और क्या लग जाएगा इसमें, अनसैचुरेशन है, साथ के लिए क्या आ जाएगा, आयन लग जाएगा, ठीक है, ये तीन एक्सेप्शन था, वो छे वाला दिमाग में आ गया था, तो ई और आयन में कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, तो आयन लग जाएगा, ठीक है, तो चार्ट सामने रखना, कंफ्यूजन हो सकती है, जब मुझे हो रही थी तो तुम्हें भी हो सकती है, तो यहां पर साथ में क्या लग जाएगा, आयन लग जाएगा, ये ए गायब हो जाएगा, तो क्या बन गया, एजा एजी पाइन, ये बन गया एजी पाइन, ठीक है,
लेकिन अगर इसी में मैं क्या करूं, ये वाले बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको तोड़ने का मतलब क्या है, जैसे ही टूटेगा जो बॉन्ड यहां खाली होगा वहां पर क्या लग जाएंगे, एच और एच एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको हम यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अभी हम केवल क्या दिखा रहे हैं कि यहां पर बॉन्ड खाली हो गया, यानी कि यहां पर एच लग चुका है। कौन से नंबर पे, टू और थ्री नंबर पे, यहां डबल बॉन्ड की जगह हटा के यहां पर एक एक बॉन्ड खाली हुआ और हाइड्रोजन लगा दिया गया है। ऐसी केस में क्या करना है, गिव दो चीजें, यूज सफिक्स अनसैचुरेशन। एक तो अनसैचुरेशन का सफिक्स तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अनसैचुरेशन है यहां पर थोड़ा बहुत, तो आयन तो रहेगा ही रहेगा अनसैचुरेशन का। विद डाइहाइड्रो और टेट्राहाइड्रो, हमें हाइड्रो का इस्तेमाल करना है, हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं तो हाइड्रो का इस्तेमाल करना है। तो कहां कहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, भाई ये बॉन्ड टूटा है तो अच्छा। अब हमको एक चीज और समझनी है यहां पर, वो चीज क्या है कि भाई हम नंबरिंग, ये तो वन रहेगा ही रहेगा, अब टू इसको दें या इसको दें, तो यहां पे एक रूल है कि गिव प्रायोरिटी टू अनसैचुरेटेड कार्बन फॉर नंबरिंग, अनसैचुरेटेड गलत हो गया, ये यहां पर आएगा सैचुरेटेड, किसको देना है, गिव प्रायोरिटी टू सैचुरेटेड, ये जो सैचुरेटेड कार्बन है ना इसको प्रायोरिटी देनी है, अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो वन के बाद हम टू इसको देंगे, थ्री इसको, फोर फाइव सिक्स और ये सेवन आ जाएगा। तो टू और थ्री पे हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, ये अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी मिलेगी, तो हमेशा अनसैचुरेशन की तरफ से मूव करेंगे। देखो यहां पे भी आ जाएगा समझ में, तो टू थ्री पर हाइड्रोजन लगा तो डाई हाइड्रो, टू थ्री पर दो लग गए और एजिपीन, बाद बाकी तो एजिपीन तो है ही क्योंकि एन है और एफ है और आयन तो रहेगा रहेगा। यहां देखते हैं, अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये इस बार हमने याला क्या कर दिया, याला बॉन्ड हटाया। तो अब देखो जरा यहां पर क्या, इसके अगर नंबरिंग करता हूं, वन तो यही रहेगा, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, काउंटिंग कहीं से भी करूंगा मेरा सेम ही जा रहा है। अगर यहां से करता हूं तो फोर फाइव ये होगा, यहां से करूंगा तो फोर फाइव ये होगा, तो फोर फाइव डाई हाइड्रो एजिपीन, काउंटिंग कहीं से भी करूं सेम रहने वाली है। अब अगर मैं यहां से करता हूं, अब देखो यहां पर चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ये वन है, ठीक है, एक काउंटिंग ये है टू थ्री फोर और फाइव, एक काउंटिंग ये है सिक्स और सेवन, एक काउंटिंग ये है, इस बार कलर चेंज करता हूं, वन ये होगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। अब लोएस्ट सम लोकेंट रूल, सैचुरेशन कार्बन अगर मैं हरा वाला देखूं तो टू प्लस फाइव, हरे वाले से क्या आ रहा है, टू प्लस फाइव कितना हो गया, ये पांच और दो सात, ठीक है। और यही अगर मैं पिंक वाले से देखूं तो कितना जा रहा है, ये सैचुरेशन चार पर और सात पर, चार प्लस सात कितना हो गया, ये सात चार ग्यारह, ज्यादा आ रहा है ये, है ना, लोएस्ट सम। तो हमें हमेशा क्या देना है, सैचुरेशन वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो हम याला काउंट करेंगे, टू थ्री फोर फाइव, यानी कहां कहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, टू पर ऐड हुआ और फाइव पर ऐड हुआ, ये पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुके हैं। तो उस सैचुरेशन को दिखाने के लिए टू फाइव डाइहाइड्रो, ये डाइहाइड्रो का मतलब क्या है, दो और पांच वाले कार्बन पूरी तरीके से सैचुरेट है, वहां पे किसी भी तरह का अनसैचुरेशन नहीं है। ये पार्ट दिखा रहा है सैचुरेशन को और बाद बाकी तो फिर सैचुरेशन अनसैचुरेशन है ही हमारे पास। बात समझ में आ रही है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल अनसैचुरेशन, पूरा सैचुरेट अनसैचुरेट नहीं था, कुछ सैचुरेट है कुछ अनसैचुरेट है, ये पूरा का पूरा अनसैचुरेट है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, ये चलें आगे। ओके इसको देख लेते हैं, आप देखो यहां से और अच्छा क्लियर, अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वन तो इसको ही देना है, कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। अब वन, उसके बाद देखो ये वाला कार्बन भी सैचुरेटेड है, ये वाला भी सैचुरेटेड है, तो वन टू थ्री फोर और फाइव, यहां से करूं तो वन और यहां से करूं तो वन टू थ्री फोर और फाइव। अब देखो यहां पर देखने में तो क्या लग रहा है, दोनों ही फोर फाइव आ रहे हैं, लेकिन एक और चीज है, फोर पर देखो ये मिथाइल ग्रुप भी है, फोर वाला सैचुरेशन पे है, फोर पे मिथाइल भी है, तो हम ये वाली काउंटिंग ले लेंगे क्योंकि फोर पे मेरे को मिथाइल भी प्रायोरिटी मिल जा रहा है, अदरवाइज मिथाइल यहां से करूंगा तो मिथाइल कहां जाएगा, फाइव पे चला जाएगा, तो काउंटिंग बड़ी हो जाएगी, फिर फोर फाइव फाइव हो जाएगा, यानी कि टोटल काउंटिंग करूंगा मैं अगर तो फोर प्लस फाइव प्लस फाइव, यहां से करूंगा तो फोर फोर, फोर पे ही सैचुरेशन भी है और फोर पे मिथाइल भी है, फोर प्लस फोर प्लस और ये रहा फाइव, ये नंबरिंग कम आ रही है, चार चार आठ और पांच तेरह,
और 5, 5, 10, 14, तो ये कम आ रहा था, इसको प्रेफरेंस दे देंगे। तो इसीलिए यहां से काउंटिंग करेंगे तो वन पे क्या हो जाएगा, एक और दो, ये क्या है, इथाइल है, तो वन पे इथाइल हो गया, और फोर पर ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और फोर फाइव क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रो, बाद की अपनी रिंग है, ठीक है, एजीपीन। क्लियर है बात है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा यहां पर, अब देखो यहां पर ये वन, अब अगर मैं यहां से जाता हूं तो सीधा फोर फाइव, ये ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सब अनसेचुरेशन आ रहे हैं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इससे बेटर मैं यहां से चलूंगा, है ना, सेचुरेशन को प्रायोरिटी दूंगा, टू थ्री फोर और फाइव सेचुरेशन को प्रायोरिटी देंगे, है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो वन पर तो फिर वही इथाइल आ गया, फाइव पर मिथाइल आ गया, टू थ्री फोर और फाइव, टू थ्री फोर फाइव टेट्राहाइड्रो, ये सारे कार्बन कैसे हैं, सैचुरेटेड कार्बन है और एजीपी, बात समझ में आ रही है। अब टेट्राहाइड्रो वाले केसेस जो हम लोगों ने कर रखे हैं, नेमिंग जो उसमें क्या कहते हैं, जो अपने कंपाउंड्स आएंगे आईपीसी वाले जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स में, वहां पे इस तरह से नेमिंग आती है, तो अब वो बात समझ में आ जाएगी। मैं बताता भी था उस समय कि वहां पे सैचुरेशन आ रखा है, क्या रखा है, सैचुरेशन है वो। क्लियर है बात है यहां तक, ओके चले आगे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास रिंग कंटेनिंग टू और मोर आइडेंटिकल हेटेरो एटम। यहां तक की बातें एक बार पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है ना, मुंह धुल लो, फिर से पानी पी लो और कायदे से बैठो, ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चीजों को आगे बढ़ोगे, उसके बाद खेल खत्म है। अब देखो रिंग कंटेनिंग टू और मोर आइडेंटिकल हेटेरो एटम, अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम मौजूद है लेकिन सेम सेम एटम है, एन एन है, सारे के सारे क्या है, एन एन है, तो सिंपल है, यहां पे खेल सिंपल होता है। When two or more similar atom contained in a ring are indicated by the prefixes diatri, यहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, diatri, जैसे कि ये रहा 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6 हैं, कहीं से भी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, एन की नंबरिंग सेम रहने वाली है, ठीक है, तो 1 3 5 ट्राई ट्राई, ठीक है, ये क्या ऐसा होता है, प्लस इन प्लस ई, तो ये हट जाएगा, तो कितने ऐसा लगे हुए हैं, 1, 2 और 3, तो ट्राई एजीन। क्लियर है ना, बैक नहीं जा रहा, अब 6 पे क्या है इन, और यहां पर क्या है सैचुरेशन के लिए ई लगता है 6 तक, क्लियर है ना, ये टेबल सामने रखना, क्लियर है बातें, ओके अब यहां देख लेते हैं। अच्छा अब यहां देखो, यहां देखो तुमको कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएंगे सारी। अब देखो अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं, मैंने कहा हेटेरो एटम को तो नंबर वन देना ही है, 1 2 3 4, अब जरा काउंटिंग कर लो, 1 + 3 + 4 कितना हो गया, 8, ठीक है, एक और तरीके से करते हैं, 1 + 2 1 2 3 और 4 काउंट करें, 1 + 2 3 और 4 कितना हो गया, 7, तो कौन सा बेटर हुआ, 1 2 3 4 वाला बेटर हुआ, यानी कि हमें नंबरिंग ऐसे करनी है उनका सम क्या है, कम से कम आए, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 ये अलग कर लिया, 1 2 4 ट्राई एजोल, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगता है, ऑल लगता है, एजा उसके लिए लग गया, और ई क्योंकि अनसेचुरेशन है तो ई लग जाएगा। समझ में आ रही है बातें, क्लियर है, मुस्कुरा दो, नॉमेनक्लेचर सीख रहे हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है चलें आगे। एक बार में बातें समझ में नहीं आए लगता है, एकदम से उड़ गया, पॉज करो, फिर से देखो, खुद से ड्रॉ करो, पीछे का टेबल देखो, अच्छा हाँ ये ऐसा ऐसा है करके, फिर आगे बढ़ो, ठीक है चलो आगे आते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, रिंग कंटेनिंग टू और मोर डिफरेंट हेटेरो एटम। अगर ऊपर वाला आगे तो बहुत सिंपल है, और वो कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा है तो यहां केवल एक ही कंफ्यूजन आती है कि शुरुआत कहां से करें, ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्या है, सबसे पहले हम रिंग में सबसे पहले देखेंगे ओ, उसको नंबर वन दे देंगे, फिर एस को, फिर एन को, फिर पी को, फिर सी को, फिर बी, मतलब बोरोन इस्तेमाल नहीं होगा अपने में, लेकिन तब भी, तो यानी कि सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है इस तरीके से। द रिंग इज नंबर्ड फ्रॉम द एटम ऑफ प्रेफरेंस इन सच ए वे सो एज टू गिव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टू द अदर हेटेरो एटम। पहला नंबर देने के बाद हम दूसरे एटम को कोशिश करेंगे छोटी से छोटी पोजीशन देने की,
है ना, ये बात समझ में आती है। ब्रांचिंग में जैसे हम लोग सबसे कम पोजिशन सबसे कम नंबरिंग देने की कोशिश करते हैं, वैसे यहां पर एक बार जब नंबर वन मिल गया, अगले को हम फिर यहां पर टू और थ्री नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा ये, फिर सीधा टू इसको करेंगे फिर हम। क्लियर है? ओके। एज अ रिजल्ट द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्ले नो पार्ट इन द डिटरमाइनिंग हाउ द रिंग इन नंबर। अब यहां पर क्या, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है कि मान लो ये जो लगे हुए हैं इनका खेल खत्म हो गया, हम सीधा इसके बाद अपने इसको काउंट करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। हिटरो एटम को नंबरिंग कम से कम देने की कोशिश करेंगे ऐसे केसेस में, जब एक से ज्यादा टाइप के हिटरो एटम होंगे तो प्रायोरिटी के हिसाब से, और फिर दूसरा किसको देंगे, हमारा हिटरो एटम के हिसाब से, इसको नहीं देखेंगे साइड वाली चेन को। क्लियर? बस खेल खत्म, बाद बाकी नेमिंग सेम है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाद बाकी नेमिंग हमारे पास सेम होगा। अब क्या हो गया, वन टू थ्री, तो वन पे कौन है, ओ ऑक्सा, समझो बात को, ऑक्सा प्लस एजा प्लस तीन है तो इर, सेचुरेशन है तो एन, तो ऑक्सा के बाद सफिक्स के बाद क्या है, ए है ना, तो याला ए गायब होगा, ठीक है ना, इससे पहले याला ए गायब हो जाएगा, तो ऑक्स एस, ठीक है, सफिक्स है ये तो एक ए गायब हो जाएगा, ऑक्स एस और इर, अच्छा एन लगा हुआ है तो इडीन वाला पार्ट लगेगा, एन नहीं लगेगा, याद है ना, सेचुरेशन में क्या लगता है, इडीन लगता है। चार्ट सामने रख लो, ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो प्रायोरिटी किसको ज्यादा है, सल्फर को ज्यादा है, तो वन टू थ्री यहां से चलेंगे तो वन टू थ्री फोर आ जाएगी, तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, तो यहां क्या आ गया, वन थ्री, वन पे कौन है, थाया, कर लें थाया प्लस एजा, थर्ड पे कौन है, वन थ्री पहले लिख लिया, थाया प्लस एजा प्लस पांच है तो ओल और अनसेचुरेशन है तो क्या लगता है, ई लगता है, तो उससे पहले ये गायब हो गया, इससे पहले याला ये गायब हो गया, तो क्या हो गया, थियाजोल। समझ में आ गया होगा, अब अगर पुराना वाला क्लियर है तो ये बड़ा आराम समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे देख लेते हैं, अगेन सल्फर को प्रायोरिटी है, तो हम कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो ये है, वन टू थ्री और फोर, तो देखो यहां पर वन थ्री फोर और फोर एट सम कर रहा हूं मैं, जहां जहां पोजिशन है, और अगर मैं इसको ऐसा करूं, वन टू और थ्री, तो देखो कितना होगा, एक और दो तीन, सॉरी थ्री और ये फोर, एक और दो तीन, तीन चार सात, तो सात वाला क्या हो गया, कम हो गया, तो मैं ऐसे काउंटिंग करूंगा, ठीक है ना, ध्यान ना ये चीजें, तो मेरे को ऐसे चलना है कि ऐसे चलना, कैसे डिसाइड करूंगा मैं, जो पोजीशन है उनका सम कर लूंगा जहां से सम कम आएगा, और नंबर वन किसको दूंगा, प्रायोरिटी के हिसाब से, तो हो गया वन फोर टू, जो जो लोकेशन है, वन फोर पहले क्या लिखेंगे, थाया लिखना है तो थाया वाले लिख, पहले क्या है सल्फर लिखने है ना, तो सल्फर वाली पोजीशन करेंगे, वन फोर, वन टू फोर मत कर देना, पहला थाया दूसरा भी थाया, तो डाई थाया और फिर ये एजा और ये आयन आ गया, इन मतलब छह नंबर है ना, देखो वन टू फोर कैसे किया, वन पे सल्फर है, फोर पे भी सल्फर है, टू पे एन है, तो ये क्या हो गया, डाई थाया प्लस एजा प्लस इन प्लस ई, है ना, तो आई से पहले याला ये गायब, इससे पहले याला ये गायब, तो डाई थाया जीन, बातें समझ में आ रही हैं। आगे आते हैं, देखो जरा, अब ये तो यहां पे सिंपल है, इसको क्या कर देंगे, वन टू थ्री फोर, तो वन पे क्या है ऑक्सा और छह है एजीन, सिंपल है, कर लोगे, यहां पे कुछ है ही नहीं, इसको समझा देता हूं मैं, ओ प्रायोरिटी नंबर वन है, तो वन टू थ्री और फोर, तो टू और फोर पे कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, टू और फोर पे कौन है, नाइट्रोजन है, तो वन के बाद वन पे ऑक्सा, टू फोर पे डाई एजा, डाई है देखो यहां पे डाई एजोल, और पांच मेंबर है तो ओल और ई, ठीक है, अभी लिख के दिखाता हूं। अब देखो थ्री पे क्या है, क्लोरो, और ये फाइव पे क्या है, मिथाइल सी एच थ्री, तो फाइव मिथाइल, और इसको क्या हो गया, ओ के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सा प्लस दो एन है तो डाई एजा, और पांच है तो प्लस ओल, है ना, पांच है तो ओल प्लस अनसेचुरेशन है तो ई, टेबल सामने रखो, टेबल सामने रखो, इसका ए ऑक्सा है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर ये डी ये आ गया, ठीक है ना, डी आ गया, तो ये ए गायब नहीं हुआ, ऑक्सा रहा, एजा और ओ से पहले ए याला गायब हो जाएगा, ठीक है, ये वोवल है तो उससे पहले वाला ये गायब हो जाता है,
ठीक है ना, ए से पहले डी वोवल नहीं है तो ए गायब नहीं हुआ है, ठीक है, डी वोवल नहीं है तो यार ये गायब नहीं हुआ है, इसमें रखा हुआ है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको तुरंत हिंदी में लिखते चलना अपना, ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक, सिंगल रिंग होगी तो हम लोग कैसे उसकी नेमिंग करेंगे। बहुत आराम से इस लेक्चर को एक बार दो बार देखना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, एक एक कंपाउंड जिसमें दिया हुआ, प्लस में कोशिश इसमें जो लिंक में प्रैक्टिस शीट की भी पीडीएफ रहेगी उसको भी निकाल करके प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो तुम्हारा उसमें क्या होगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। बाद बाकी ये अपना ऐप है माइंड नर्चर, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेक्चर नोट्स, क्वेश्चन क्वेश्चंस वगैरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तमाम पूरी फुल प्रैक्टिस रहती है बच्चों के लिए, ठीक है। सभी नोट्स का लिंक यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो स्पष्ट सुन ले, सबका लिंक वहां मिलेगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद भी किसी कोई दिक्कत है तो मुझे फोन करें, ठीक है। जो लोग आराम से कायदे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐप का यूज कर सकते हैं, सिर्फ 1100 रुपए में सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं और ये सारी फैसिलिटी दी जाती है, लाइव क्लास मिलती है वहां पे आप लोगों को, दो इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे जरूरी बात क्या है, शायद पता चल चुकी होगा अभी तक, नहीं पता, रिवीजन करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन से ही सारी मुसीबतें का हल होगा, खासकर डी फार्मा में याद करने वाला बहुत कुछ है, तो रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। करोगे रिवीजन, गुड, ऑल द बेस्ट।